दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्यूट एनिमल थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने डॉग को क्या क्या खिलाना है। दोस्तों हमारे डॉग की सेहत के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके डॉग की सही डाइट यानी कि खाना क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला बेनिफिट जो ये है कि दोस्तों आपको अपने डॉग को डॉग फूड खिलाना है। डॉग फूड हमारे डॉग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे दोस्तों इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों डॉग फूड के बेनिफिट ये होते हैं कि दोस्तों डॉग फूड स्पेशली डॉग के लिए ही बना होता है, तो आप अपने डॉग को डॉग फूड ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपने डॉग को पनीर ज़रूर खिलाना है। पनीर तो बहुत ही हमारे डॉग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पनीर खाने से डॉग को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारे डॉग को प्रोटीन की कमी नहीं होती है और वह हमेशा हेल्दी रहेंगे। आपको अपने डॉग को 100 ग्राम पनीर पर डे यानी कि डेली एक दिन में 100 ग्राम पनीर सुबह शाम दोपहर कभी भी आप दे सकते हैं, पर आप अपने डॉग को पनीर खिलाएँ ज़रूर। अगर आप इसको परचेस नहीं कर सकते तो आप 2 दिन छोड़ के भी इसको पनीर खिला सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर पनीर खिलाना आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है कि आपका डॉग पनीर खाने से बहुत ही हेल्दी और उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने डॉग को अंडा ज़रूर खिलाएं। दोस्तों अंडा भी प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। अंडा खाने से डॉग में एनर्जी आती है। तो दोस्तों आप अपने डॉग को दिन में एक बार एक अंडा उबाल कर और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अंडा तो हमें अपने डॉग को 100% खिलाना ही खिलाना है, ये आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों चौथा ऑप्शन ये है कि हमें अपने दोस्त डॉग को चौथे ऑप्शन में क्या खिलाना है। तो चलिए दोस्तों चौथा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको अपने डॉग को मिल्क यानी कि दूध ज़रूर देना चाहिए। जैसे दूध हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वैसे ही दोस्तों ठीक हमारे डॉग के लिए भी दूध बहुत बहुत ही ज़रूरत होती है उनके बॉडी के लिए। दोस्तों आप अपने डॉग को दूध में रोटी मिक्स करके दे सकते हैं, या उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। या तथा अगर आपको डॉग दूध पीना चाहे रोटी के साथ ना खाना चाहे तो आप उसे कटोरी में डालकर दे सकते हैं, जिससे वह बहुत ही आसानी से दूध पी लेते हैं। तो आप कैसा भी कर लीजिए, या कटोरी में डाल के अपने डॉग को दूध पिला दो, या तो रोटी में मिक्स करके खिला दो, वो जैसे खाना पसंद करे आप वैसे खिला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम अपने पांचवे बेनिफिट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमें अपने डॉग को पांचवा जो ऑप्शन है उसकी तरफ हम चलते हैं। दोस्तों आपको अपने डॉग को दही तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दही हमें अपने डॉग को खिलाना ही खिलाना है। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप दूध पनीर वगैरह अगर स्किप भी कर दें, लेकिन दही आपको 100% एक कटोरी पर डे अपने डॉग को देना ही देना है। दोस्तों दही से इनका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो दोस्तों दही से इनकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है और उनको डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों आप अपने डॉग को दही रोटी में मिक्स करके या बिना रोटी के भी खिला सकते हैं। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, आपको अपने डॉग को दही ज़रूर खिलाना है। बस आपको सर्दी में इनको ठंडा दही नहीं खिलाना है, यानी कि फ्रिज का दही मत खिलाएं, रूम टेम्परेचर का दही ही खिलाएं। और गर्मियों में कोई सा भी दही आप अपने डॉग को खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों छठे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो आपको अपने डॉग को छठे ऑप्शन में मीट ज़रूर देना है अपने डॉग को।
अगर आप मीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको अपने डॉग को चिकन के पंजे खिलाने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीट से 10 गुना ज़्यादा डॉग के लिए चिकन के पंजे फ़ायदेमंद होते हैं और चिकन के पंजे आपको मार्केट में मीट से कम दामों में मिल जाते हैं। इनके रेट ज़्यादा नहीं होते, बल्कि मीट तो थोड़ा सा महंगा भी होता है, पर चिकन के पंजे जो होते हैं वो आसानी से मार्केट में कम दामों में मिल जाते हैं, जो आप अपने डॉग के लिए परचेज कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा और आपका डॉग हमेशा एनर्जी से भरपूर और सेहतमंद रहेगा, फुर्तीला बहुत ज़्यादा होगा और बीमारियों तो उससे 10 गुना दूर रहेंगी। बस दोस्तों ये जो मैंने आपको 6 चीज़ें आपको अपने डॉग के लिए बताई हैं, बस अगर आपने इतना कर लिया तो यह आपके डॉग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इन 6 चीज़ों को ही खिला लें। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, आप आराम से इन्हें परचेज कर सकते हैं। वैसे तो डॉग को खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बस लेकिन आपको ये 6 चीज़ें ज़रूर खिलानी है, और दही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दही आपको जरूर ही जरूर खिलाना है। और इसके अलावा आपके घर में खाने में जो भी खाना बनता है, जो भी हम अपने खाने के लिए बनाते हैं, जैसे कि हमारे घर में कुछ भी बने, हम अपने खाने के लिए सुबह शाम दोपहर जो भी हम खाना पसंद करते हैं वो हम बनाते हैं, जैसे कि रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि, आप इनको आराम से खिला सकते हैं। और समय समय पर इनकी वैक्सीनेशन यानी कि इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इनकी जो सेहत है वो बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनको टीके लगते हैं ना, उसी तरह हमारे डॉग्स को भी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी डॉग को लेते हैं अपने घर में रखने के लिए तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारा कोई अजनबी के घर में हूँ, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे अपने हैं, हमारा अपना परिवार है। तो दोस्तों आप अपने डॉग का पूरा ख्याल रखें, जब आप अपने डॉग का ख्याल रखें तभी डॉग को आप रखें, वरना किसी भी जानवर को आप अपने घर में मत रखिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो यानी कि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो हो वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब सही हो, सही सलामत रहें और हमेशा खुश रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।